हेलो फ्रेंड्स मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन आज हम क्लास टेंथ का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम यहाँ पर आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन दिए गए है। हैं जैसा कि साइड में आप लोगों को क्वेश्चन नज़र आ रहा है एविडेंसेस यहाँ पर एनाटॉमिकल होते हैं मॉर्फोलॉजिकल होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है तो हमने पैलियंटोलॉजिकल लिखा है और उसी तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी लिखा है आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इवोल्यूशन बिगिन अप्रॉक्सिमेटली सेवन करोड़ ईयर्स है आंसर है लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर्ड अप्रॉक्सिमेटली सेवन करोड़ ईयर्स है एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स वेयर इज सेट टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एनसेस्टर्स हु वेयर मोर लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लिमर्स दस ह्यूमन इवोल्यूशन बिगिन अप्रोक्सीमेटली सेवन करोड़ ईयर्स अगो सेकेंड क्वेश्चन है जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन स्पेसीस किसे कहते हैं स्पेसीस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन Each species grows in specific geographical condition their food habit reproductive ability and period is different along with genetic variation geographical and reproductive changes are responsible for formation of new species hence geographical and reproductive isolation leads to speciation यानी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फर्टाइल इंडिविजुअल्स बनाते हैं नेचुरल रिप्रोडक्शन करते हैं इन्हें हम स्पेसीज़ कहते हैं स्पेसीज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं उनकी फ़ूड हैबिट और जो एबिलिटी पीरियड है वो अलग होता है और जोग्रफ़िकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से स्पेसिएशन होता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन तो फॉसिल की स्टडी जो है इवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसा क्यों लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गॉडबरी ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड अर्थक्वेक एंड वल्कैनो एट्सेट्रा रेमनेट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग टेक्निक इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स वंस द एज ऑफ फॉसिल हैज बीन डिटरमाइंड इट बिकम्स ईजी टू डिड्यूस द इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर है उनकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म अर्थ में बरीड हो गए हैं इन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं और कार्बन डाइट टेक्निक की मदद से हमने फॉसिल्स की स्टडी की है और ये इवोल्यूशन में बहुत ही मददगार होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है देर इज इविडेंस ऑफ फैटल साइंस अमंगट्स इट इज़ बिलीव डेट कॉडेट्स हैव ओरिजिनेटेड फ्राम इनवर्टिब्रेट्स It is difficult to find out from which invertebrate group the chordates were developed. Chordates ancestors were soft body animal, hence they were not preserved as a fossil. यानी yani, यहाँ पर बोला गया है कि तमाम कॉडेट्स जो है वो इन्वर्टिब्रेट से ओरिजिनेट हुए हैं और इन्हें हमें पहचानना कैसा है मुश्किल है जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में सब एक जैसे हमें नजर आते हैं सो so, देर इज़ अ इविडेंस ऑफ फैटल साइंस अमंग द कॉर्डेड्स और कॉर्डेड्स सेंसेस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं और इन्हें हम फौसल की तरह प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं इसके बाद जो आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम बुक में दी गई है आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जैसे ही नज़र आते हैं तो ये जो है थोड़ा मुश्किल काम होता है नेक्स्ट है उर्दू मीडियम के लिए इर्ता के सबूत आप लोगों को बताने हैं तो यहाँ पे रकाजी सबूत सबूत आज़ा में हड्डियों की साख में यसानियत दरमिया कड़ी आसारी आज़ा और सबूत जैसा कि आपको दिया गया है उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंसान के इरता की इब्तदा तकरीबन सात करोड़ साल कब्ल हुई तकरीबन सात करोड़ साल पहले ज़मीन पर बर्फ़ानी अहद की शुरुआत हुई इन हालात में जो डायनासोर थे वो ख़त्म हो गए थे और जंगलात भी तेज़ी से ख़त्म हो गए थे बंदर से मुशाबहत रखने वाले जो जानदार हैं इसमें लंगूर जैसे जानवर शामिल हैं जिनका इस ज़माने में वजूद हुआ चार करोड़ साल कबल इन बंदरों जैसे जानवरों की दुम धीरे धीरे गायब होने लगी और इसके बाद दिमाग की जसामत में सीधे चलने की सलाहियत और बड़े पैमाने पर हाथ के इस्तेमाल से इंसान का इरत हुआ और आज का जो इंसान है इसका ज़मीन पर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जानदारों में जोग्राफियाई और पैदाइशी फ़र्क हो तो तवील अरसे बाद अनवा में फ़र्क नज़र आता है हम देखते हैं कि हवानात और नबाता की जो मुख्तलिफ़ है, इनका जहूर अरत की वजह से हुआ है क़ुदरती बार आवरी के ज़रिए बार आवर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले ग्रोह को नू कहते हैं यानी कि क़ुदरती माहौल के अंदर जो जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं ऐसे ग्रहों को हम नू कहते हैं और तमाम नू की जा रहन सहन पार आवरी मुद्दत तोाफ सबका कैसा है मुख्तल होती है लेकिन एक नू से नई नू पैदा करने की वजह से जनिनियाती तगैर होता है और यही खसूसियात एक नू से दूसरी नू में जाती है इसी तरह बहुत ज़माने बाद जानदारों की जोग्राफियाई और पैदाइशी अनवा के जहूर का सबब बनती है इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं रकाजात का मताल इरत के मुताले का अहम जुज्व है तो करोड़ों साल पहले जो जानदार मौजूद थे वो ज... सैलाब जलजलें आतिश फुशाँ इस तरीक़े की आफतों की वजह से कसीर तादाद में ये दफन हो गए हैं और इनके बाख़्यात और जो नुखोश हमें ज़मीन के अंदर महफूज मिलते हैं इन्हें हम रकाजात कहते हैं तो कार्बन डेटिंग तकनीक यानी कार्बनी पैमाइश ज़मा की तकनीक की मदद से हम क्या कर सकते हैं इनकी मालूम हासिल कर सकते हैं और इन रकाजात और जानदारों का मताल इर्ता के मुताल का अहम जुजु है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिक्री हेवान में ताल्लुक से सबूत मिलते हैं जो दाएं जानब हमें तस्वीर नज़र आ रही है इसमें मुख्तलिफ़ नस्लों के जनिन का तकाबली जायज़ा दिया गया है और इनके इब्तदाई मरहले हमें जैसे ही हम फर्स्ट स्टेज इनकी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा यकसानियत पाई जाती है इससे नतजाज कर सकते हैं हम कि तमाम हवाना का इरतः एक ही आबा अजदात से हुआ है यानि सबके आबा अजदाद एक ही होते हैं आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए उसी तरीके से अल्फेज चैनल पर मैथ्स और साइंस के तमाम वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में